भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल। वातुंग विभाग कार्यालय के सामने खड़ा हुआ हूं और आज ये आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे 3400वें रास्ता सुरक्षा अभियान के तहत यहां पे मुफ्त आई चेकअप का कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि कल्याण नाका वातुंग विभाग समय समय पर वाहन चालकों 3400 रस्ता सुरक्षा अभियान आतापर्यंत 3-4 ठिकाणी आम्ही कॅम्प लावलेले आहे। पीयूसीचा कॅम्प लावला आहे, टोरोचा कॅम्प लावला आहे आणि आज भैरोबा कॅम्प नेत्र शिबिर लावलेला आहे। आतापर्यंत 30-35 लोकांनी याचा लाभ घेतलेला आहे। एक सवाल मेरा ये अभी देखा जाए तो जो यहाँ पे मुफ्त आंखों का चेकअप चालू है तो कुछ मतलब जो नागरिक है जो वाहन चालक है उनको आप किस प्रकार का आपको संदेश देना चाहिए? आम्ही जे रिक्षा चालक है गाड्या थांबवून आणि त्यांना इथं आत मध्ये घेऊन आणि त्यांचे तपासणी करून घेत आहे। रिक्षाचे जे संघटनावाले आहेत रिक्षा चालक एसटी कल्याण नाका यांना आम्ही रिक्षा साईडला लावून आणि प्रत्यक्ष त्यांचे डोळ्याची तपासणी करून घेतात। जाएंगे आज यहाँ पे रस्ता सुरक्षा सप्ताह 2024 के तहत में यहाँ पे मुफ्त आई चेकअप का आयोजन यहाँ पे कैंप लगाया गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे और इस सप्ताह के दौरान आपके वातुंग विभाग की तरफ से कितने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया? जो हमारा 3400 रास्ता सुरक्षा अभियान जो चालू है हमारे माननीय डीसी साहब है एसीपी साहब और हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष पांडे साहब उनके थ्रू ये सब प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने जो अभी पीयूसी का किया था कैंप पीयूसी में हमने कम से कम 250-300 गाड़ियों का चेकअप करके लिया, पीयूसी निकाल के दिया, फिर टोरन पावर में एसी स्टैंड में और अलग अलग जगह पे स्कूल में बहुत से प्रोग्राम हमने आयोजित किए थे। आज इधर अपने भैरव ट्रस्ट के उनके जो डॉक्टर टीम है उनका आई हॉस्पिटल है उनके जरिए अभी तक हमने 40-50 लोगों का आई चेकअप किया है। इसमें छोटे बच्चों का भी हमने ये किया है, जितने भी रिक्शा वाले इधर हो चलते जो स्टैंड है उनको हमने सबको बोला कि उनका आई चेकअप करवा दिया है। अभी तक तो प्रोग्राम ठीक ठाक चालू है और ये हमारा जो शेड्यूल्ड है अभी तक ठीक ठाक है। इधर के जो पब्लिक है वो भी हमको सपोर्ट करती है, बहुत से इधर के जो समाज सेवक है रिक्शा वाले सब सपोर्ट करते हैं, जो भी ट्रॉफिक का प्रोग्राम रहता है सब इसमें मेरे पत्रकार भाई लोग है सब आते हैं सब सपोर्ट करते हैं। और जो ये खाली मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अभी जोड़ी के रास्ते पे जो भी रिक्शा चालक वाहन चालक जो गाड़ी चलाते हैं इनको सबने हमने एक संदेश दिया कि भाई आप अच्छी तरीके से गाड़ी चलाओ, सीट बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, सब अच्छी तरीके से अभी तक प्रोग्राम चालू है इतना ही कहना है। आपका नाम? राम सेवक। राम सेवक आप क्या करते हो? रिक्शा चलाते। आज यहाँ पे कल्याण नगर वातुंग विभाग की तरफ से यहाँ पे मुफ्त आई चेकअप का कैंप लगाया गया है, तो आपने आई चेकअप कराया? हाँ, मैंने यहाँ पर आई चेकअप कराया, साथ में मेरे और भाई लोग भी सब कराए और यहाँ के कुछ लोग जनता लोग भी कराए, लेकिन यहाँ सब लोग एक मिल के और एकजुट होकर हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हर कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। लेकिन जो आज का कार्यक्रम है इसमें कम से कम 100-150-200 लोगों का अभी तक चेकअप हुआ है और यहाँ कोई पैसा नहीं है, सब मुफ्त चेकअप है। हमारे पाटिल साहब के तरफ से हमारे सब स्टाफ लोगों के तरफ से रखा गया, इसमें हमारे सब भिवंडी के लोग या रिक्शे वाले भी सब फायदा उठाए इसका और इसका लाभ सबको मिला। अच्छा, एक बात बताइए कि कल्याण नगर वातु